नौणी विश्वविद्यालय में आए विशेषज्ञों द्वारा किसानों को शून्य लागत पर प्राकृतिक खेती करने के प्रति जागरूक किया गया। विशेषज्ञों द्वारा किसानों को जीवामृत, धन जीवामृत, बीजामृत बनाने वाले विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई गई। वहीं विशेषज्ञों द्वारा देसी गाय के गोबर का प्रयोग कर बीज अमृत तैयार करने की विधि भी बताई गई। कृषि विभाग के विषयवाद विशेषज्ञ डॉक्टर डीपी गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यशाला में किसानों को जीरो बजट खेती और उसके घटकों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि आज हम खेतों में जहरीली रसायन कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें खाकर सभी लोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम प्राकृतिक खेती करके लोगों को बीमारियों से बचा सकते हैं, जिससे आम लोगों को भी प्राकृतिक खेती के उत्पादों से लाभ मिलेगा। इसमें लोगों को शून्य लागत प्राकृतिक खेती के बारे में थोड़ी जानकारी दी कि आप अपनी खेती को कैसे जहर मुक्त कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई खाद का प्रयोग या किसी तरह का कोई जहर की दवाइयों का प्रयोग करने का के लिए लोगों को पूरी जागरूकता की दी गई कि किस तरह से हम अगर किसी भी तरह का कोई प्रयोग जहरों का प्रयोग नहीं करते हैं, तब भी हम खेती कर सकते हैं। इसके लिए किसानों को जीवामृत बनाने के बारे में, बीजामृत के बारे में और घन जीवामृत इत्यादि जो भी इसमें जो हमारे जीरो बचने के लिए जो एक घटक हैं, इनकी पूरी जानकारी दी गई। जो भी हमारी सब्जियां हैं, दूध हैं, सारा खाते हैं, इनमें जो जहर है वो जहर कहाँ से आ रहा है, जो हम इनके ऊपर जो जहर का जो कीटनाशकों का फफूंदनाशकों का और जो बीडीसाइड का प्रयोग कर रहे हैं उसमें जो सारा का सारा असर उनमें दवाइयों का हो रहा है। इसी गाय का जो गोबर है उससे ही सारे के सारे जो हमने जो सारे जो दवाइयाँ हैं, जो बीजामृत है बना करके उनका स्प्रे करने की, उनको मिट्टी में डालने की सारा उनको विधियाँ बताई। कार्यशाला में भाग लेने आए किसानों ने बताया कि आज से पहले वे रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करते थे, लेकिन आज के बाद जैविक खेती ही करेंगे और जैविक खेती को ही बढ़ावा देंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह आज लोग खेतों में अंधाधुंध रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं, उससे हमारे शरीर के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों को भी नुकसान झेलना पड़ेगा। इसलिए सभी लोगों को जैविक खेती की तरफ बढ़ना चाहिए और प्राकृतिक उर्वरकों का इस्तेमाल करना चाहिए। ये जो जहर मुक्त खेती है इससे हमारे स्वास्थ्य पर जो दुष्परिणाम हो रहा है, जो हम संकल्प करते हैं कि हम इस जो ये प्रोजेक्ट है, ये जो परियोजना शुरू की है सरकार ने, इसको हम कामयाब करेंगे, सफल करेंगे। और मैं अपने गांव में किसानों को ओरिएंटेशन प्रोग्राम दूंगा और इससे लोगों को मोटिवेट करूंगा। धीरे धीरे हमारे अंदर जो जहर जा रहा है, इतनी सारी जो दवाइयाँ है, कीटनाशक दवाइयाँ जो जिसकी स्प्रे अंधाधुंध हो रही है और लोग जो है बड़ी अंधाधुंध से इसकी स्प्रे कर रहे हैं, जो हम ये रासायनिक खेती कर रहे हैं और हमने अपने आप जो अंदर जहर खा रहे हैं और अपने बच्चों को भी खिला रहे हैं, तो हम इसको बचाने के लिए जो है हम जैविक खेती जो है और जीरो जो खेती करनी चाह रहे हैं, तो इसे हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी बचा सकते हैं।